कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी भीता भय प्रद मनिंदित मंग्रि पद्मम संसार सागर निमज्ज दशेश जंतु पुताय मानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मै धूमकेतो तस्याहमेश किल संस्तवनं करिष्ये। चलिए अब हम 35वें काव्य को प्रारंभ करते हैं। अस्मिन् नपार भववादि निधौ मुनीश मन्ये न मे श्रवण गोचरताङ्ग दोषी मन्ये न मे श्रवण गोचरताङ्ग दोषी आकर्णे तु तव गोत्र पवित्र मन्त्रे सुने नहीं गए।
तू तब गोत्र पवित्र मंत्री आकर मिले, क्योंकि गोत्र पवित्र मंत्री ने आपके नाम रूपी मंत्र के आकर मिले आने सुने जाने पर विपद विषधरी किम सविधम समेगी, क्या विपदा रूपी नागिन पास में आती अर्थात नहीं। यानी संसार में परिभ्रमण करते हुए मैंने भवन आपका नाम तक नहीं सुना, इसलिए संसार में आज तक हम संसार से मुक्त नहीं हुए। संसार में सबसे बड़ी विपत्ति आपदा रोग जन्म जरा और मृत्यु है। बार बार हम इस रोग से हर भाव में ग्रसित होते हैं, इसलिए यहाँ पर अक्षय महाराज कह रहे हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने आज तक आपका पवित्र नाम रूपी मंत्र आपकी वाणी का श्रवण नहीं किया। इस संसार में जिसके लिए यहाँ पर भव समुद्र कहा गया है, जीव अनादि काल से इसमें परिक्रमण कर रहा है, कोई शुरुआत नहीं। अनंत काल तो जीव का निगोद में व्यतीत हुआ, जहां पर एक शरीर में अनंतों जीव एक साथ में, वहां पर जन्म मरण एक साथ में ही उनका सब कार्य चलता रहा, अलग अलग उनका व्यवहार भी नहीं होता। ऐसी जगह पर अपने भी अनंत काल व्यतीत किया और उसके बाद में वहां से जिस प्रकार से जब फल भूजा चनों को भूजता है और उसमें कोई चना उछल करके उस फाड़ से बाहर निकल आता है, ऐसे ही वहां पर जो निगोद राशि है उसमें से निकल करके कोई जीव व्यवहार राशि में आता है, यानी उसकी स्वतंत्र पहचान बनती है, नहीं तो वहां पर तो कोई पहचान नहीं। और वहां आने के बाद में भी कर्म इंद्री तो सबसे अंत में प्राप्त होती है, यहाँ कोई नियम नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि निगोद से निकल करके सीधा पंचेंद्री जीव भी बन जाए, लेकिन यदि अपन क्रमिक विकास देखें तो उसमें वहां से निकलने के बाद में पांच स्थावर में पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय में भ्रमण, फिर दो इंद्रियां उसको रसना इंद्री भी प्राप्त हो जाती है इस प्रसंग के साथ में, फिर घ्राण इंद्री, फिर चक्षु इंद्री, फिर श्रोत्र इंद्री। श्रोत्र इंद्री प्राप्त हो गई है लेकिन बिना मन के कोई कुछ काम नहीं करती, क्योंकि असंगी पंचेंद्री जीव ही वहां पर क्या बोल रहे हैं उसके भाव को समझने में समर्थ नहीं होता। और जब मन भी प्राप्त हुआ तब उसके बाद में कानों के माध्यम से भगवान की वाणी को श्रवण नहीं किया, ये इस काव्य में कहा गया। बहुत दुर्लभता से जैनेन्द्र भगवान की वाणी का, जैनेन्द्र भगवान के नाम का सुनने का अवसर प्राप्त होता है। पांच पुराण में भूदत्तदास जी ने लिखा है, जिन चरित्र जी सुने Yeah।
भी पूजा भी नहीं की, तो उसके लिए वहां पर कह रहे हैं कि वहां मुख जो है दिल के समान है और जीव वहां पर नागिन के समान है। जहां गुणों का कान नहीं होता, ऐसे वहां पर उपमा के माध्यम से प्रेरणा दी जाती है। यदि हमने इसकी ये सार्थकता कान प्राप्त किए हैं तो भगवान की वाणी का, भगवान के गुणों का श्रवण अपने कानों के माध्यम से अवश्य करना चाहिए। सुना भी तो उस समय में कई प्रकार के श्रोताओं के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें एक श्रोता होते हैं सभा में सुनते समय ऐसा लगता है कि पूरी तरह से सराबोर हो गए हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं बिल्कुल सूखे के सूखे, जैसे पत्थर होता है, बरसात होती है और बिल्कुल भीग करके ऐसा लगता है कि अंदर तक पानी प्रवेश कर गया है, लेकिन नहीं, थोड़ी सी हवा लगती है बाहरी वातावरण की और वो बिल्कुल सूख जाता है। कुछ ऐसे होते हैं मिट्टी जैसे श्रोता कि जहां सुन करके गीलापन भी आ जाता है, लेकिन थोड़े दिनों में वो वहां पर पहले की जो मृदुता थी उसको भी खो करके और कड़क रूप धारण कर लेते हैं। उस वाणी से ही कुछ ऐसे तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं उसमें ही कि वहां पर उसके माध्यम से अरे हम तो बहुत ज्ञानी है, ज्ञाता है, ऐसे अहंकार की अकड़ वहां पर लाकर के कड़े बने को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत कम ही ऐसे श्रोता होते हैं जो रुई के समान होते हैं, उस वाणी रूपी अमृत की वर्षा को अपने अंदर समेट करके रख लेते हैं। बाहर से भले ही सूखा सूखा दिखाई दे, लेकिन अंदर उनके मृदुता बनी रहती है। तो ऐसे कई प्रकार के श्रोताएं जो होते हैं उन्हें यहाँ पर यही माना जाए कि सुनने के बाद में भी या तो सुना नहीं, और सुना भी तो उसमें सही सार नहीं निकाला, थोड़ा थोड़ा को ना छोड़ने की जगह पे सार को ग्रहण करके साथ सार को छोड़ करके और निस्सार को ही ग्रहण कर लिया। कई प्रकार के श्रोताओं ने उसमें भी एक ऐसे भी जैसे कि बताया था पत्थर के समान होते हैं, ऐसे ही चिकने खड़े के समान होते हैं कि वो भी अंदर उसमें मृदुता नहीं पहुंच पाती। कुछ ऐसे होते हैं कि सुनते समय तो बहुत विभोर हो जाते हैं लेकिन उसको स्मरण नहीं रख पाते, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बाद में भी उसको स्मरण करके उसके रस का पान करते रहते हैं। तो यहाँ भगवान की वाणी का श्रवण करने का ऐसा लगता है कि हम इस संसार समुद्र से आज तक पार नहीं हुए हैं, इसका मतलब है भगवान हमने आज तक आपके वाणी का, आपके नाम का श्रवण नहीं किया। इसमें विपद विषधरी, यहाँ पर नागिन का रूप विपदा रूपी नागिन के रूप में कहा है कि ये हमारे पास में क्यों आती। वैसे आचार्य मूलचंद्र महाराज का जो वाद विवाद हुआ था और उस वाद विवाद में उनके लिए ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी कि भरी सभा में उनको जैन धर्म का महात्म्य प्रकट करना वहां पर आवश्यकता था, एक अतिशय प्रकट करके लिए वहां पर ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी, तो उस दृष्टि को रख करके या यहाँ पर संसार में जो कई प्रकार के शरीर में रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं, जो ऐसे रोग रहते हैं असाध्य रोग की व्यक्ति उनके माध्यम से कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता, इसलिए यहाँ पर नागिन के रूप में, क्योंकि एक ही भाव स्त्रोत्र में वहां पर अक्षय भाग्यराज महाराज ने एक काव्य में रोगों के लिए नाग की ही उपमा दी, उसमें संभवतः तीसरा काव्य है आनंदा सुस्नपित वदनं गगनं चाभि कल्पं यश्चायेत त्वयि गृणमनः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तः।
देना मावर सर के रूप में। विषम यानी बहुत ऐसे की जो नासूर हो गए हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के रोग रूपी सर्प भगवान के मंत्र के द्वारा इस देह रूपी वाणी से निकाल दिए जाते हैं। तो वहां सर्प के रूप में उन रोगों को कहा है, तो ये भी इस प्रकार से कि भगवान यदि हमने आपके मंत्र रूपी पवित्र नाम का स्मरण किया होता, सुना होता, तो इस शरीर में रोग क्यों उत्पन्न होते, ये भी इसके साथ भाव ले सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि संसार में सबसे बड़ा रोग जिसके लिए आप लोग पूजा करते समय में जन्म जरा मृत्यु रोग विनाश आए, ये रोग ऐसे हैं जो हमें हर भाव में दुखी करने वाले हैं। और सही तो उनसे ही मुक्ति यदि हमने भगवान की वाणी सुनी होती तो अवश्य हो गई होती। हमें संसार में परिक्रमण चल रहा है तो इसका मतलब है हमने भगवान की वाणी का श्रवण नहीं किया। आप यदि विचार करके देखें कि कुछ पशुओं के जीवन को देखें या कुछ मनुष्यों के जीवन को भी देखें, जन्म होता है, बचपन खेल कूद में बीत जाता है, फिर बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए चला जाता है और वहां पर पढ़ने के बाद में आगे अपने भविष्य में कुछ व्यवसाय का चयन या कुछ नौकरी का चयन कर लेता है और जब धनार्जन प्रारंभ हो जाता है तब उस समय में विवाह के बंधन में बांध दिया जाता है, फिर संतति उत्पन्न के कार्य लग जाता है और धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त करके और मरण को प्राप्त हो जाता है। अपन यदि देखें तो सारे संसार में ये सब चीजें, पशुओं में वहां पर धनार्जन नहीं होता लेकिन अपने पेट के लिए तो अर्जन वो भी करते हैं, तो उनमें पशुओं में और मनुष्यों में देखा जाए तो कोई विशेष अंतर देखने में नहीं आता। और ये जो परंपरा संतति अनादि काल से जीव की चल रही है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका भान हमें भगवान की वाणी के श्रवण के बिना हमें प्राप्त नहीं हो सकता। और उसमें जो मनुष्यों की जीवन वर्गीकृत करें, कैटेगरी करें, तो तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक होते हैं व्हाट आई हैव, हमारे पास में क्या है, बस वो अच्छी से अच्छी बिल्डिंग, अच्छे से अच्छी गाड़ी, कपड़ों, इन्हीं चीजों में जीवन में इन्हीं के इकट्ठे करने में लगे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि हमने ये कर लिया मतलब हमने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। और उसके लिए जैसे बने तैसे बस पैसे, ऐसी दृष्टि वाले लोग इस लाइन में इस प्रकार से लगे हुए हैं। इनसे कुछ ऊपर उठते हैं वो सोचते हैं कि नहीं, हमें जो पैसा प्राप्त हो वो अच्छे तरीके से ही प्राप्त हो, वहां पर हमारे पास में भले ही बहुत सुख सुविधाएं ना हो लेकिन धन हम अन्याय नीति से नहीं कमाएंगे। तो वो कुछ व्हाट आई डू इस कैटेगरी वाले हो जाते हैं। और इसमें भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं लेकिन इसके ऊपर उठने वाले बहुत कम होते हैं जो यहाँ पर विचार करते हैं कि व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ, क्या मैं ये शरीर मात्र हूँ या शरीर से भी ऊपर कुछ हूँ। इस प्रकार का चिंतन भगवान की वाणी के बिना इस अपार समुद्र में, संसार रूपी समुद्र में अनादिकाल से भ्रमण करते करते हमारे लिए प्राप्त नहीं हुआ और उसी के कारण में ये जन्म जरा मृत्यु की परंपरा हर भाव में जीव प्राप्त करता रहता है। कई कई बार श्रवण का अवसर भी प्राप्त होता है तो उस समय में कई लोग रोकने वाले भी मिल जाते हैं। कई बार
ऐसे भी होता है कि हम स्वयं ही बहुत से लोग हमारा हाथ पकड़ करके कि चलो कहीं पर उपदेश हो रहा है, अरे अभी मैं फुर्सत नहीं है। हमने कई लोगों के हाथों को झटकारा होगा, हमने किसी बहाने को बना करके कहीं पर रुचि प्रकट ना करके उन उपदेशों को सुनने से इनकार किया होगा। इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं ऐसा मानता हूँ इस अपार संसार रूपी समुद्र में मैंने आज तक आपके पवित्र नाम रूपी मंत्र का श्रवण नहीं किया। उस रोहिणी की कथा जिसका पिता चोर था और वो अपनी जो परंपरा से चला आया हुआ उसका जो व्यवसाय चोरी करना था, पुत्र छोड़ ना दे इसलिए उसने मरते समय में कि बस महावीर के पास मत जाए, और आखिरी समय में उसने पक्का वादा लिया और उसने भी स्वीकार कर लिया। और जब भगवान महावीर के समोक्षण के पास से गुजरना हुआ तो उसने अपने कानों में उंगलियां डाली। ऐसे ही कई लोग होते हैं जो धार्मिक सभा में जाकर के भी वहां पर हेडफोन लगा करके बैठे सभा में दिखाई देते हैं लेकिन और कुछ सुनते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कई जगह देखा हमने, पत्नी को छोड़ने कार से आए हैं, दर्शन करने के बाद में जाकर के कार में बैठ करके म्यूजिक सुन रहे हैं, पत्नी सामने बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं। तो ऐसे भी स्थितियां वहां पर अपने जीवन में भी केवल इसी भाव में नहीं अनंत भाव में इस प्रकार की स्थितियों से हम भी गुजरे होंगे कि हमने सुनने से मना कर दिया या किसी को रोक दिया होगा जैसे कि रोहिणी के पिता ने रोक दिया और उसने कान में उंगलियां डाल रखी थी लेकिन पैर में कांटा लग गया, अब तो चलना मुश्किल है और उसने उस समय एक उंगली को निकाल करके कांटे को निकाला, तब तक भगवान की वाणी के कुछ अंश उसके कर्णकुट में पड़ गए और ना चाहते हुए भी वो वहां पर उनको सुन लिया, उनको भुलाने का भी उसने प्रयास किया लेकिन जितना भुलाता वो शब्द उतने ही दृढ़ होते। और बाद में जब वो चोरी में बड़ा कुशल था उसको पकड़ने के लिए राजा शरीर ने अभय कुमार को जिम्मेदारी सौंपी और उसको पकड़ने के लिए जब वहां मदरादी मिला करके एक ऐसा दृश्य उपस्थित किया गया जिसमें वो वहां पर महसूस करे कि ये स्वर्ग है और उस समय देखता है वहां पर प्रश्न करते हैं कि आपने पूर्व में कैसा कार्य किया जिसके कारण में आप इस भव में स्वर्ग में अवतार लिए। और उसने सुना था कि जो देव होते हैं पलके नहीं झपकती, उनकी परछाई नहीं पड़ती, उनके जमीन पर पैर नहीं पड़ते लेकिन यहाँ सारा दृश्य ही उल्टा है। और वो जब वहां से बच जाता है तो सोचता है कि उन्होंने तो अपने धंधे के व्यामोह से अपनी परंपरा जो चली आ रही है कुल की परंपरा के मोह के कारण में मुझे उससे विमुख किया था, एक वाणी को सुनने से हमारा इतना कल्याण हो गया। और उसने जाकर के सब अपने कार्यों को छोड़ करके भगवान महावीर के समोक्षण में दीक्षित होकर के अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अंजन चोर की कथा में भी आप देखें तो वहां पर भी अंजन चोर जो राजपुत्र था व्यसन के कारण में अपने पिता के द्वारा राज्य से निष्कासित किया गया और बाद में दूसरों को पूर्ति के लिए वेश्या की बातों में आकर के वेश्या कहती है कि हमें रानी का हार ला करके दो, वो कहता है वहां तो बड़ा खतरा है।
वेश्या कहती है कि तुम बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं तुम्हारे लिए चांद ला सकता हूँ, तारे ला सकते हो, और आज तुम जो है हार आने के लिए ना नफर कर रहे हो। और वो चढ़ जाता है, कई लोग चने के झाड़ पर इसी प्रकार से चढ़ा देते हैं, और वो चूड़ी के लिए चला गया और पकड़ा जाता है, लेकिन वहां से भाग रहा था, और भागते भागते उसको वो दृश्य वहां पर उपस्थित हुआ। लेकिन उसकी भूमिका पूर्व में जिस चिंदर सेठ ने जो आकाश कामनी विद्या प्राप्त की थी, उसकी भूमिका कहां से प्रारंभ हुई कि एक सेठ का सबसे छोटा पुत्र और एक पुरोहित का सबसे छोटा पुत्र दोनों मित्र थे, और व्यसनों के कारण वो भी अपने राज्य से निष्कासित किए गए। हस्तिनापुर में जहां पर वो ठहरे हुए थे, वहीं पास में नसिया थी, और नसिया में साधुओं के उपदेश हो रहे थे, और उस समय में विश्वानु लोग जो पुरोहित का पुत्र था, उसने अपने मित्र धन्वंतरी से निषेध किया कि यदि तुम्हें संसार के बदरादि के सुखों को भोगना है तो दिगंबरों की बातें मत सुनो। और उस समय में जिसके बचपन के धर्म के कुछ संस्कार थे, और उसके कारण वो उन उपदेशों को सुनने के लिए चला गया। यहाँ पर भी वो रोकने वाले की मत सुनो, भगवान की वाणी का श्रवण मत करो। और उस समय उसने साधु के पास जाकर के उपदेशों को सुना, उसमें रात्रि भोजन का उपदेश सुनकर के उसको ऐसा लगा कि इससे तो हमारी जान बच गई, क्योंकि एक बार चोर लोग वहां पर भोजन कर रहे थे, और उस समय में उसने बाकी सारे लोग बीमार पड़ गए। फिर उसके बाद में अजान फल अज्ञान फल का त्याग किया, उसमें भी उसका वहां पर लाभ हुआ। एक आध और नियम लिया, उससे फायदा हुआ उसको, तो उसने लगा कि ये तो सच्चा रास्ता है, और उसने जाकर के दीक्षा ली। उसका मित्र विश्वानुलोम वहां पर आकर के उससे कहता है कि तुमने ये क्या किया, और वो बड़ी मित्रता थी, तो उस समय उसके संस्कार जो वहां के थे वैदिक संस्कृति के, उसने जाकर के तापस की व्रत ग्रहण कर दी। धन्वंतरी मुनि ने जाकर के इसको समझाया, लेकिन वो विद्यार्थ का ऐसा तीव्र उसका जो आग्रह था, उसने वहां पर उसी में रहा, दोनों मरण करके धन्वंतरी जाकर के सोलवे स्वर्ग में अमित्र नाम का देव हुआ, और विश्वानुलोम तपस्या के माध्यम से, कोटि तप के माध्यम से वो बेहतर देव हुआ, और दोनों नंदीश्वर में वहां पर मेरे वो वामन जाति का देव बनकर के वहां गया था, और ये भगवान की आराधना करने गए थे। अवधि ज्ञान के माध्यम से बच्चे बच्चे में आ गया, पूछा तो उस समय में वो मिथ्या की आग्रह के कारण उसने कहा कि नहीं, के माध्यम से भी बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और उसमें उन्होंने कहा कि अभी तुम हड्डी छोड़ते हो, चलो देखते हैं, परीक्षा करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जैन साधुओं की क्या बात, जैन जो श्रावक भी होते हैं बड़े निष्णात होते हैं तपस्या आदि करने में, चतुर्दशी में बाहर जा करके शमशान में भी तप करने वाले होते हैं। उस समय जैन दत्त जो श्रावक थे चतुर्दशी को तप कर रहे थे, और उनके ऊपर उसने अवसर किया, जब वो चलायमान नहीं हुए तो उनको आकाश कामनी विद्या उस समय में दी गई, और उसी को उन्होंने अपने एक दत्तक पुत्र के लिए, जिसने कहा था कि आप रोज कहाँ जाते हैं, उन्हें बताया हम वीरू की वंदना के लिए जाते हैं, और उसको सिद्ध करने के लिए वो विद्या बतलाई। और जब वो बार बार ऊपर चढ़ता लेकिन नीचे नुकीले हथियार को देख करके नीचे उतर जाता था, तो उस समय अंजन चोर वहां पर पहुंच गया, और उसने सोचा कि मैं इस काय को करता हूँ, पीछे तो मृत्यु निश्चित है। और उस समय में
मुक्ति का मार्ग बताओ। तो कहते हैं यहाँ पर केसर बने मुनिराज हैं, उनके पास चलो और जाकर के दोनों दीक्षित हो जाते हैं। उसी केसर वन से तपस्या करके अंजन ने सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर दिया। तो यहाँ इस काव्य में कि हे भगवान, मैं ऐसा मानता हूँ कि इस भव समुद्र में जो कि अपार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, मैंने आज तक आपके वचनों को आपके पवित्र नाम रूपी मंत्र का श्रवण नहीं किया। यदि मैंने सुना होता तो क्या इस संसार में मेरा परिभ्रमण चलता रहता, या यहाँ पर क्या पिता रूपी नागिन मेरे समीप में आती, जो यहाँ पर अक्षय पूर्णचंद्र के सामने जो वाद विवाद की स्थिति में धर्म के महात्म्य को प्रकट करने की स्थिति बनी थी, उस घटना को केवल इसके सामने देख करके इस काव्य के अर्थ को समझने का प्रयास कर सकते हैं।
प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार